कि साइबर सिटी गुरुग्राम में पिछले 72 घंटे से बिजली नहीं होने पर लोगों में आक्रोश है। दरअसल जब भी मुख्यमंत्री गुरुग्राम आते हैं तब साइबर सिटी को पावर कट फ्री बनाने का आश्वासन देते हैं, लेकिन अब तक भी साइबर सिटी पावर कट फ्री नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के पास एरिया सेक्टर 84 के एक सोसाइटी के पिछले 72 घंटे से बिजली नहीं आई है। ऐसे में उपायुक्त कार्यालय के सामने नारेबाजी कर लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। अब ऐसे में आक्रोशित लोगों की गुहार कौन सुनेगा, यह देखने वाली बात होगी। हमारी दिक्कत यह है कि इन्हें ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया है 100 के लोड पे, जो कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, ना कि रेसिडेंस के लीए। और ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट कैसे दिया गया, वो इलीगल तरीके से लिया गया है, क्या लिया गया ना, हमारे सोसाइटी में परमानेंट वाटर कनेक्शन है ना परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। जब आज हम लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के गए आ गए तो उन्होंने बोला कि कल जाके 26 तारीख को उसने 33 के भी एक ले दिया है, जिसको आने में कम से कम 5 से 6 महीने या साल 2 साल भी लग सकते हैं। तो 2 साल तक हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे। अभी अब इस समय कहाँ पर आए हैं, क्या अभी हम लोग डिप्टी कमिश्नर के पास आए हैं, डीसी ऑफिस आए हुए हैं, डीसी के ऑफिस गए थे आज, वहाँ पे ये लोग नहीं मिले, तो आज हम के घर पे आए, रेजिडेंस पे आए और इनसे मिलने के लिए आए हैं, और इन ये बता रहे हैं कि ये नहीं है यहाँ पर। हमने व्हाट्सएप किया था और उसके बाद आज इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है, और हमने DHVN को भी बोल दिया है और साथ में बिल्डर को भी प्रक्रिया होगी, उसके तहत हम इंश्योर करेंगे कि सिटीजन्स को परेशान ना हो। अभी बच्चे या जो भी इनकन्वीनियंस हुई है उसके लिए, और हम इसमें पूरी वो करेंगे कि बिल्डर को तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए सिटीजन को जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, इन्होंने काफ़ी इश्यूज़ बताए और एक सारे इश्यूज़ को